राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। यहां उन्होंने प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में प्रेस वार्ता की और मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। वहीं आयोजित प्रेस वार्ता में अध्यक्ष अलका लांबा ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 स्तंभ युवा भागीदारी, नारी, किसान और श्रमिक न्याय है और इन 5 स्तंभों को न्याय का हक मिलने तक राहुल गांधी की यात्रा चलती रहेगी। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि कुल 5 दिनों तक छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलेगी जो कि प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि इंडिया अलायंस जल्द ही चुनावी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी और आगामी राज्यों में होने वाले चुनाव में नारी के सम्मान में चुनाव लड़ा जाएगा। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। 5 स्तंभ है जिसे लेकर ये यात्रा और आगे का हमारा सफर भी चलेगा। पूछा गया यात्रा कब तक, पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये यात्रा कब तक, तो राहुल जी का जवाब है न्याय का हक मिलने तक ये यात्राएं जारी रहे। पहला न्याय युवा न्याय, दूसरा न्याय भागीदारी न्याय, तीसरा नारी न्याय, चौथा किसान न्याय, पांचवा श्रमिक न्याय। इन 5 न्याय की जो बात है उससे यात्रा जुड़ी हुई है। जहां तक नारी न्याय की बात है, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आधी आबादी के जो हक और अधिकार हैं, हम उसको लेकर लड़ेंगे। जिन राज्यों में हमारी बातचीत हमारे सहयोगी से पूरी हो चुकी है, जल्द ही हम उन राज्यों में अपने उम्मीदवारों की, ज्वाइंट उम्मीदवारों की, इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों की घोषणा भी करेंगे।